आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम बात कर रहे थे हिंदी संस्कृत शिक्षण विधियों की, जो कि आपके रीट के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्पेशल रीट के लिए तो महत्वपूर्ण है। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं हिंदी संस्कृत शिक्षण विधि की, जिसके अंदर हमने भाषा शिक्षण यानी भाषा शिक्षण के जो चारों प्रकार थे, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, चारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे भाई शिक्षण विधि के बारे में। तो शिक्षण विधियों यानी शिक्षण विधि कितने प्रकार की होती है, देखिएगा संस्कृत शिक्षण की विधियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन सी? संस्कृत शिक्षण विधियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है और आराम से आपको याद भी होंगे। चलेगा बात करते हैं, तो दो प्रकार कौन से अभी? तो देखिएगा दो प्रकार है आपके, एक तो परंपरागत विधि, परंपरागत यानी परंपरा से चली आ रही, परंपरागत यानी बार बार वही उपयोग में लेते हैं, यानी परंपरागत रूप से चली आ रही, क्या भाई ये तो हमारी परंपरा है कि मेहमानों को चाय तो पिलानी चाहिए। तो जिस प्रकार परंपरागत यानी जो शुरू से चली आ रही है। फिर आधुनिक, आधुनिक यानी नए युग की, कि आज की युग की, आज का युग क्या आधुनिक युग है। तो बिल्कुल, तो दो प्रकार की विधियाँ होती है शिक्षण विधियाँ ना। चलेगा मास्टर जी, चलते हैं आगे। देखिएगा तो मास्टर जी ने कहा कि परंपरागत विधियाँ कितने प्रकार की है, तो कहा कि तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? एक तो पाठशाला विधि, पाठशाला विधि के बाद कौन सी भाई? भंडारकर विधि, भंडारकर विधि के बाद पाठ्यपुस्तक विधि। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों का तीनों, और तीनों से सवाल टपकता है। कहाँ पे टपकता है? एग्जाम के अंदर। चलेगा अगला है आधुनिक, आधुनिक यानी आज के युग की। तो आज के युग की कौन कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि या निर्बाध विधि, प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से हा? फिर सर्चनात्मक उपागम, फिर नियोजित, सर्चनात्मक और नियोजित। चलेगा तीनों के बारे में बात करेंगे। तो अब पहले शुरुआत करते हैं परंपरागत विधि की। बिल्कुल, हम अपने परंपरा को, जो परंपरा है तो उसी की पहले हम शुरुआत करते हैं कि भाई हमारी परंपरा रही है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं। तो वही चीज़ है कि परंपरागत को हम शुरू करते हैं। चलेगा ले ले बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो। आगे चलते हैं। अब परंपरागत शिक्षण विधियाँ, तो परंपरागत शिक्षण विधि के अंदर कितने प्रकार के थे? तीन 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 प्रकार की आपको बताइए अभी। चलेगा जिसमें पहला प्रकार है पाठशाला विधि, है ना, पाठशाला विधि, और पंडित पद्धति, गुरुकुल पद्धति, है ना, ट्रेडिशनल आपकी जो ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। और देखिए बात करते हैं, तो पाठशाला विधि, पंडित पद्धति, गुरुकुल पद्धति। तो ये देखो नाम पढ़ते ही आपको दिमाग में आ गया होगा कि पाठशाला विधि, गुरुकुल पद्धति, ये कहाँ पहुँच गए? रामायण महाभारत देखिए, गुरु किस प्रकार पढ़ाते थे? सामने गुरु जी खड़े हो जाते, फिर संस्कृत में श्लोक बोलते, बालक उनको दोहराते, तो वही है पाठशाला विधि, है ना। चलेगा संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य संस्कृत के अंत तत्व का अध्ययन करके ज्ञान को हृदयगम करना है। संस्कृत का क्या है भाई मुख्य उद्देश्य? कि भाई संस्कृत में जो भी तत्व है, जो भी ज्ञान है, उसको आप हृदयगम कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, ये उद्देश्य है। चलेगा आगे बात करते हैं, जो पाठशाला विधि है, पंडित विधि है, गुरुकुल विधि है, जो आपकी ट्रेडेंशियल है ना। चलेगा रटने एवं श्रवण पर बल दिया गया और इससे श्रवण शक्ति का चरम विकास हुआ। कंठस्थातु या विदा, ना, कंठस्थातु या विदा। चलेगा कंठस्थातु या विदा, सबसे बड़ी बात है कि भाई पाठशाला विधि में क्या होता है कि जब पहले के समय विद्यालय नहीं हुआ करते थे तो गुरुकुल हुआ करते थे, तो वहाँ पर क्या है कि श्लोक रटाए जाते थे, है ना। तो सुबह मॉर्निंग में होते ही श्लोक बोलना, फिर खाना खाने से पहले श्लोक बोल के फिर आप खाना खाओ, ठीक है, हाथ धोने से पहले श्लोक बोलो, फिर आप कहते हैं वो चलो करो, स्नान करने से पहले श्लोक बोलो, हैं। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अगर आप बाहर जा रहे हो तो भी श्लोक बोलो, अंदर गुरु के पास आ रहे हो तो भी श्लोक बोल के आओ, प्रणाम कर रहे हो तो भी श्लोक बोलो। तो ये क्या है, सारी की सारी विधि क्या है कि भाई आपकी श्रवण शक्ति पर आधारित थी, यानी आपकी जो मेमोरी है उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। गुरु शिष्य संबंध पूर्ण संवाद, शिष्य पुत्रवत, गुरु ईश्वरवत, दृढ़ स्नेह पूर्ण, है ना। तो पहले यही होता था कि भाई जो गुरु जी होते थे वो उनको ईश्वर के समान मानते थे। आज तो पता नहीं कैसे मानते हैं वो, पता नहीं है, पहले ईश्वर के समान मानते थे, यानी जो जो कुछ भी थे वो गुरु ही थे, उन्होंने कह दिया सो कह दिया, ठीक है। यानी गुरु और शिष्य का संबंध पूर्ण संवाद, और शिष्य पुत्रवत, और गुरु भी शिष्य को पुत्र की तरह मानते थे, ठीक है। चलेगा आगे बात करते हैं,
श्रवण सुनना व भाषण बोलना कौशल का विकास, बिल्कुल ये तो है। देखोगे अगर गुरु जी से लोग बोलेंगे, मास्टर जी से लोग बोलेंगे तो बच्चे सुनेंगे और वापस रट कर उनको वापस दोहराएंगे, तो क्या हो रहा है, वो सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। तो भाषा के दो कौशलों का यहाँ पर विकास होता है, परंपरागत विधि में, पाठशाला विधि में, गुरुकुल विधि में। कौन से दो कौशल? श्रवण और भाषण। श्रवण कौशल और भाषण कौशल का क्या हुआ? विकास हुआ। पाठशाला विधि में संस्कृत शिक्षण अमनोवैज्ञानिक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अमनोवैज्ञानिक क्यों था? मनोवैज्ञानिक का अर्थ होता है कि आपने कुछ सोचा है, आपने कुछ मनन किया है, आपने अपने मन का वहाँ पर उपयोग किया है कि भाई आपने क्या सोचा। जब आपको श्लोक रटाए जा रहे हैं तो कुछ सोचने की जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल नहीं पड़ रही। जो बोल रहे हैं उसको रट रहे हैं और दोहरा रहे हैं। इसीलिए परंपरागत विधि, पाठशाला विधि या गुरुकुल पद्धति कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों साथियों, समझ में आया? आना भी चाहिए। तो अब आप कभी नहीं भूलोगे कि वास्तव में ये परंपरागत विधि क्या है, गुरुकुल पद्धति क्या है, हैं पंडित पद्धति क्या है। तो इतने नाम हैं, तीनों नाम याद रखने हैं आपको, चलेगा। अगली विधि आती है साहब भंडारकर विधि। अब इसको आप वेरी 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 बहुत हो गया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, भंडारकर विधि। इसका क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। क्या होती है भंडारकर विधि? तो भंडारकर विधि को हम कहते हैं व्याकरण विधि। क्या बोलते हैं? व्याकरणानुवाद विधि, व्याकरण का अनुवाद करने वाली विधि, भंडारकर विधि। हो गया याद? देखिएगा भंडारकर विधि के जो प्रवर्तक थे आपके राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। कौन थे? राम जी कृष्ण गोपाल भंडारकर इस भंडारकर विधि के क्या थे? प्रवर्तक थे। और समर्थक की बात की जाए तो वामन शिवराम आप्टे, नाम दोहरेगा, कौन थे? वामन शिवराम आप्टे थे इनके समर्थक, ठीक है। और प्रवर्तक थे राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। और भंडारकर विधि को हम व्याकरणानुवाद विधि भी कहते हैं, चलेगा। पाश्चात्य, ठीक है, पाश्चात्य विधि का अनुकरण करके केवल व्याकरण और अनुवाद पर बल देता है। तो सीधी सी बात, आपको एक ही लाइन याद रखनी है यहाँ पर, व्याकरणानुवाद। सीधी सी बात है कि तो किस पर ध्यान देगा ये? व्याकरण पर ध्यान देगा, व्याकरण पे और अनुवाद पे, है ना। तो दो चीज़ों पर ध्यान देता है आपके भंडारकर विधि, है ना। जो प्रवर्तक थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और समर्थक थे वामन शिवराम आप्टे। चलेगा, आगे बात करते हैं साहब कि क्या है आगे। चलेगा, व्याकरण और अनुवाद के माध्यम से संस्कृत का पाठन। इसका भंडारकर विधि का प्रयोग भी काफ़ी होता है, ध्यान रखना। व्याकरण और अनुवाद के माध्यम से संस्कृत का पाठन कैसे? श्लोक बताया, श्लोक के बाद क्या करते हैं? अनुवाद बताते हैं। अरे खाली संस्कृत में श्लोक समझ में थोड़ी आएगा, साथ में अनुवाद भी पता होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल संस्कृत के साथ, व्याकरण के साथ अनुवाद के माध्यम से संस्कृत का पाठन करवाना। यहाँ शिक्षण गुरु के बिना भी संभव है, बिल्कुल। मास्टर जी के बिना भी बच्चे शिक्षण कर लेंगे, हैं संजीव पासबुक लगा के करेंगे? नहीं। ठीक है, यहाँ पर शिक्षण गुरु के बिना भी संभव है, यानी गुरु के बिना भी वो पढ़ सकते हैं व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर। और परंपरागत विधि, गुरुकुल पद्धति, पंडित पद्धति में तो गुरु होगा, ठीक है, ध्यान रखना, उसमें तो होता ही है। चलेगा, आगे बात करते हैं भंडारकर की दो पुस्तकें। तो भंडारकर विधि भंडारकर के नाम ही थी, ठीक है। तो इसकी दो पुस्तकें थी, मार्गोपदेशिका जिसमें 31 पाठ थे, और संस्कृत मंदिरांत, है ना, संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका, इसमें 26 पाठ थे। मार्गोपदेशिका 31 पाठ और संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका 26 पाठ, कितने? 26 पाठ। वाह यार, चलो आगे चलते हैं। चलेगा, भंडारकर विधि में शिक्षण योजना। भंडारकर विधि में शिक्षण योजना, तो भंडारकर विधि में शिक्षण योजना किस प्रकार पढ़ेंगे? तो देखिएगा, व्याकरण का सौदा उदाहरण ज्ञान, यानी व्याकरण का उदाहरण सहित ज्ञान, है ना। संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद, वाह भाई, संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं भंडारकर विधि में, फिर अंग्रेजी से संस्कृत में, फिर शब्दकोश का ज्ञान। अगर आप अनुवाद करोगे, व्याकरण का ऑप्शन आ गया, तो सीधी सी बात है शब्दकोश का तो हमें ज्ञान हो गई। चलेगा, अगली विधि है पाठ्य पुस्तक विधि, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले जो हमने पढ़ा है तो उसका रिवीजन हो जाए। चलेगा, बात कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा है।
साहब हम बात कर रहे थे शिक्षण विधियों की, तो तीन दो प्रकार की होती है शिक्षण विधि। एक होती है परंपरागत, जिसके अंदर पाठशाला, भंडारकर, पाठ्य पुस्तक विधि, ये तीन हो गई। और दूसरी होती है साहब आधुनिक, जिसके अंदर प्रत्यक्ष निर्बाध विधि, रचनात्मक उपागम और नियोजित अध्ययन। चलेगा साहब, हमने आगे बात की थी कि परंपरागत शिक्षण विधि, परंपरागत शिक्षण विधि के अंदर पाठशाला विधि, पंडित विधि, गुरुकुल पद्धति, इसके अंदर गुरुजी और शिष्य के मध्य जो संबंध होता है बहुत मधुर होता है। गुरु जो शिष्य है गुरु को ईश्वर की भांति मानता है और संबंध स्नेहपूर्वक होता है, रटन पे ज़्यादा जोर देते हैं और इससे मेमोरी आपकी है जो तेज रहती है। ठीक है, बस यही था। आगे चलो, भंडारकर विधि थी इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर व्याकरण का अनुवाद, व्याकरण और अनुवाद दोनों पर जोर दिया गया है। प्रवर्तक थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और समर्थक थे वामन शिवराम आपटे। ठीक है, फिर इनकी दो पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है, मार्गोपदेशिका 31 पाठ थे और संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका 26 पाठ थे। और भंडारकर विधि में शिक्षण योजना के बारे में हमने बात की थी कि उदाहरण का शोध और उदाहरण ज्ञान, संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद और शब्दकोश का ज्ञान। चलेगा, समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल। चलेगा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दो भाई कि कैसी लगी क्लास, है ना। चलेगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। अगर आप फेसबुक पेज नवरत्न माली पर देख रहे हैं तो बिल्कुल पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलेगा, धन्यवाद दोस्तों, है ना।